हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, गुजराती छुंदा का नाम वर्ल्ड फेमस है। गुजराती अचार जो स्वीट रहता है, तीखा वाला हल्का सा तीखा रहता है और सेमी लिक्विड रहता है छुंदा आम का, बहुत ही मजा आता है खाने में। जो रोटी के साथ, थेपला के साथ, भाखरी के साथ या तो फिर सिंपल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ आप पोहा खा लीजिए या तो फिर सिंपल आप चावल के ऊपर भी डाल दीजिए तो भी उतना ही मजेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये साल अगर मेरी तरह आपका भी छुंदा धूप में बनाना रह गया है तो हम आज बनाते हैं गैस पे, मतलब झटपट से बन जाने वाला इंस्टेंट छुंदा, जो हम बनाएंगे गैस पे और उसे बनने में आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो वर्किंग वुमन है, जिसको कोई कोई ऐसे है जिनके घर पे धूप नहीं आती है, तो उन लोग के लिए स्पेशली ये है। तो आज हम बनाते हैं गुजराती आम का छुंदा। फ्रेंड्स, कच्चे आम का छुंदा बनाने के लिए ग्रेट किया हुआ केरी चाहिए, कद्दूकस किया हुआ आम चाहिए। जो ये मैंने लिया है राजापुरी आम, 1 किलो राजापुरी आम लिया है जिसे मैंने कद्दूकस किया है, तो अराउंड 800 ग्राम जितना हमारा ये कद्दूकस आम में से निकला है। तो 800 ग्राम जितना कद्दूकस आम है जो मैंने राजापुरी यूज किया है। आप केसर आम भी यूज कर सकते हो या तो जो भी कम खट्टा आम है वो यूज कर सकते हो। कम खट्टा आम इसके लिए कि अगर आपकी आम ज्यादा खट्टी होगी तो आपको उतना ही ज्यादा शुगर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 800 ग्राम जितना कद्दूकस किया हुआ आम लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल के मैंने 8 से 12 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था मिक्स करके, ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा पानी जो है वो निकल गया है और यही पानी का हम यूज करेंगे शुगर मेल्ट करने में, उसके अंदर एक्सेस पानी यूज नहीं करेंगे। उसी के साथ यूज करेंगे 800 ग्राम जितना शुगर और 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच काला नमक है। काला नमक इसके अंदर डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जब भी ये छुंदा बन के रेडी होगा और एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, लेकिन तब तक हम पहले ये बना लेते हैं। ये नमक और काला नमक ऐड कर देती हूं मैं और मिक्स कर लेती हूं। और हम जो शुगर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, उसे मैं एक बार मिक्सर में पाउडर कर लेती हूं, ताकि जो हमारा छुंदा है और उसका जो पानी है वो तुरंत ही शुगर को मेल्ट कर ले। ये शुगर का पाउडर ऐड कर दी हूं। और जैसे जैसे हम मिक्सर में ग्राइंड करते जाएंगे और शुगर का पाउडर ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाए। इसीलिए अब तक हमने गैस स्टोव पे रखा नहीं है बर्तन को, पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे, मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम गैस स्टोव पे रखेंगे। ये हमारा लास्ट बैच शुगर का पीस के रेडी है, इससे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये छुंदा बनाने के लिए सबसे ध्यान में रखने वाली चीज है कि आपको कोई भी स्टील का बर्तन यूज करना है। एल्युमिनियम के बर्तन में आप छुंदा बिल्कुल भी मत बनाइए, बिकॉज आम जो है वो खट्टा है और खट्टा और एल्युमिनियम मिक्स करके अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए आप इसको स्टील के बर्तन में बनाइए। अगर आपके पास बड़ी सी कढ़ाई है मोटे तले वाली, तो आप वो यूज कीजिए या तो फिर बड़ा सा पतीला यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी शुगर मिक्स हो गई है, मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी बहुत अच्छे से घुल गया है। तो बस इसे अभी हम रखेंगे गैस स्टोव पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बर्तन को रख दिया है गैस के ऊपर और अब गैस की फ्लेम को अभी तो तेज ही रखा है। अगर आपका
ध्यान इसके ऊपर है तो तेज आंच पे ही कर लीजिए, अगर ये छोड़ के आप कहीं और दूसरा काम करने जा रहे हैं तो इसे स्लो आंच पे रखें। कंटिन्यू इसे मिक्स करते रहिए। अभी तो गर्म होगा तो इतना टेंशन नहीं है, जलने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से गर्म हो गया तो उसके बाद इसे कंटिन्यू मिक्स करना है। फ्रेंड्स, गर्म होने के बाद और भी लिक्विड होगा और आप देख सकते हैं हल्का हल्का बबल्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो बस अभी हमें शुगर सिरप बनाना है, शुगर की चाशनी बनानी है। एक तार वाली चाशनी हम इसमें से प्रिपेयर करेंगे, उतना हम पानी इसमें से उतना पानी हमें इसमें से वेपराइज होने देना है, पूरा कम होने देना है पानी। अभी हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे और अराउंड 2 मिनट से 3 मिनट हुई है ये गर्म होने में, अराउंड हमें पूरा छुंदा बनाने में 10 मिनट जितना टाइम जाएगा। फ्रेंड्स, ये स्टेज है जब भी चाशनी बनने का शुरुआत हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे बबल्स होंगे और छींटे उड़ेंगे, तभी आपका हाथ जो है बहुत ही संभाल के आप मिक्स करते रहिए, लेकिन मिक्स करना जरूरी है, ऐसे ही मत छोड़िएगा। आप देख सकते हैं जो आम है वो भी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है, मतलब आम जो है वो भी कुक होने लगे हैं। तो बस थोड़ी ही देर में हमारा जो छुंदा है वो प्रिपेयर हो जाएगा, हमारी जो चाशनी है वो एक तार की चाशनी अच्छे से बन जाएगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गई है और ऑलमोस्ट हमारा जो आम है सब पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है और लिक्विडी भी कम हो गया है। तो अभी हम गैस की आंच को स्लो करेंगे और धीरे धीरे हम चेक करेंगे कि हमारी जो चाशनी है वो प्रॉपर एक तार की चाशनी हो गई है कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे लास्ट ड्रॉप भी चेक कर सकते हैं, जो तार खींच के पड़ रहा है वो देखना है हमें। तो फ्रेंड्स, इसमें से लास्ट ड्रॉप जो हम गिरेगा वो एकदम ही तार बन के गिर रहा है कि नहीं वो देखना जरूरी है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चेक कर पाए तो हल्का सा चाशनी ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद एक बार हाथ में लेके हम चेक करेंगे। लेकिन हमारा जो तार है अभी टूट जा रहा है तो हमारी चाशनी जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है, तो 2 से 3 मिनट और लगेगी। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा छुंदा। गैस की फ्लेम को मैं स्लो करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका चाशनी। एक स्पैचुला के ऊपर रखती हूँ थोड़ी देर और ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे चाशनी को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक तार पूरे अच्छे से खींच रहा है, टूटता भी नहीं है, ऐसा तार हमें चाहिए। तो बस ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है और छुंदा भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे अभी हमें ठंडा होने देना है, टोटली ठंडा होगा उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा डालेंगे, लेकिन टोटली ठंडा होने के बाद। अगर गरम में ऐड कर दिया तो ये जो है हमारा जो मिर्ची है, लाल मिर्च जो हमने डाला है, उसका रंग काला हो सकता है, इसीलिए हम टोटली ठंडा करेंगे उसके बाद ही इसे इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। अगर आपने रात को बनाया है तो सुबह होते ही ये ठंडा हो जाएगा, आप इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कीजिए और अच्छे से कांच के बर्तन में भर दीजिए। इसे आप टोटली 1 साल तक यूज कर सकते हैं और खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये एकदम ही ठंडा हो गया है, अराउंड 6 से 8 घंटे में हमारा जो चूंदा है वो प्रॉपर ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही प्रॉपर हो गई है, एकदम ही जो गुजराती चूंदा का जो टेक्सचर होता है वही प्रॉपर आ गया है। तो अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा, ये 2 चम्मच जितना जीरा है मैंने भुन लिया है। और अगर आपको पसंद है तो पूरा दाना डालिए, या तो फिर मैं हल्का सा क्रश करके डालती हूँ। तो हल्का सा मैं इसे कूट लेती हूँ और उसके बाद डालेंगे। और साथ ही में डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून। आप अपने घर में जैसे तीखापन पसंद है वो हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मैं हल्का हल्का कूट लेती हूँ ताकि ये स्प्लिट हो जाए, बस उतना ही, ज्यादा हमें कूटना नहीं है। अगर आप पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये बीच बीच में जो क्रंच आएगा ना वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसलिए मैं ऐसे डालती हूँ। ये हमने जीरा ऐड कर दिया है और साथ ही में ऐड कर देंगे हम मिर्च पाउडर, 4 चम्मच जितना मिर्च पाउडर मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। प्रॉपर मिक्स करने के बाद इसे हम कांच की एक अच्छे से धो के सुखाए हुए कंटेनर में स्टोर करेंगे, कांच की बर्नी में हम इसे स्टोर करेंगे पूरे साल तक। और फिर ऐसे ही उसका मजा लेंगे, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग चूंदा रेडी है हमारा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सब मिक्स होने के बाद हमारा जो चूंदा है उसका फाइनल टेक्सचर कैसा आया। बस इसे अभी हमें 2 से 3 दिन तक मैरिनेट होने देना है, स्टोर करेंगे वही जार में मैरिनेट होगा और फिर वैसे ही हम इसे यूज करेंगे। 2 से 3 दिन इसीलिए क्योंकि उसका जो मसाला है वो प्रॉपर एक बाइंड हो जाए और एकदम हर एक जगह पे अपने को मसाला का टेस्ट मिले, तो फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में मेरे वीडियो शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।